केजे हल्ली डीजे हल्ली के जो इलाके हैं वहाँ तो मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। मुसलमान रहने के बावजूद जो MLA हैं, दो भी MLA हैं, वो गैर हजरत हैं, यानी कि हिंदू ब्रदर हैं, क्रिश्चियन हैं वो, और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। ये इन लोगों की जाती लड़ाई है। जैसा ये श्रीनिवास मूर्ति है जो MLA है, इसका भांजा है वो नईम जो उस्ताफी किया नईम है, और रहा संपत राज वहाँ का काउंसलर है, एक्स मेयर जो संपत राज है वहाँ का काउंसलर है, उसका भांजा अरुण, ये चार लोगों की लड़ाई सारे कौम को परेशानी में डाल दी है। ये इन लोगों की जाती लड़ाई लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कराकर, इतना बड़ा फसाद कराकर, एक दूसरे की दुश्मनी, आज हमारी कौम परेशान है। 400 से 500 नौजवान को अरेस्ट कर हैं वहाँ पे। वो नौजवान का जो एक घर में तकरीबन 8 से 10 आदमी, 5 आदमी रहते हैं, वो हिसाब लगा तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार आदमी परेशान हैं वहाँ के, यानी कि 3 से 4 हज़ार आदमी जो परेशान है, उनके घर चलना मुश्किल हो गया, हालात बहुत ख़राब है। जो अगरचे गलत हैं उनको अरेस्ट करे भेजे तो कोई उसमें ये नहीं है, जो इनोसेंट है बुलाया कि जो पूछ रहे हैं ये कर रहे हैं, उसमें क्या MLA कोऑपरेट नहीं कर सकता, वहाँ का काउंसलर कोऑपरेट नहीं कर सकता? इन लोगों से ना फसाद हुई, इन लोगों से यही लोग ना फसाद मचाए, इन लोगों की जाती दुश्मनी, आज हमारी कौम परेशान है। हमारे CM सेकुलर है, BJP जो येडियुरप्पा साहब है, वो येडियुरप्पा साहब से मिले, जो हालात जिन्हें गलत है उसके लिए आप ये करो हम कोऑपरेट करते हैं, जो इनोसेंट है उसके बारे में बात करो। ये बुला रहे हैं लोकेशन, तो भाई जो लोकेशन के ऊपर पकड़ रहे हैं वहाँ से गुजरे तो भी लोकेशन आता है, उनको बुलाना, बातचीत करना, वहाँ पे कोई रहबर नहीं है क्या? वो ये एक भी रहबर नहीं है कि बात कर ये इनोसेंट है ये है बोल के। जो कौम के जो बड़े बड़े इदारे हैं आकर मिल्लत और कौम की रहनुमाई करें, यानी कि क्या परेशानी है, अपने खनों की जिम्मेदारी लें। अब जो रहा कांग्रेस के बड़े बड़े जितने भी मुसलमान लीडर हैं कांग्रेस में हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनको सबको जमा कर जो आलिम उलमाईदीन है जमा करें, एक मीटिंग करें, मीटिंग करके फिर रही बेंगलुरु शहर के अंदर इस तरह का फसाद नहीं होना, इसके लिए कोई इंतजाम करें। पुलिस से जो नफरत हो को है, जो ये हो को है, वो नफरत को मिटाने की कोशिश करें। भाई क्या है बोले तो, ये रहबर और उलमा आलिम नहीं करे तो कौन करेगा? इतनी परेशान है, 5-5, 6-6 हज़ार आदमी परेशान है, घरें चलना मुश्किल है, बच्चे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं आके रोडों पे, तो ये लोग खामोश बैठे हैं। इस मुश्किल वक्त में जो मुसलमान परेशान है, कौम परेशान है, इस वक्त जो बड़े इदारे हैं आकर अपनी जिम्मेदारी कंधा पर लेकर जो परेशानी है उस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करें, पूरी जिम्मेदारी लें।